welcome my dear friends. This is Ankit Tiwari and today we will just discuss about a NEET exam. पहले तो हम ये जान लें कि हमारा NEET जो 3 मई को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है और अब इसका डेट 26 जुलाई हो गया है. और सभी लोग, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग अपने होम प्लेस पे हैं, कोई भी कोचिंग नहीं खुला हुआ है. तो जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं वो चाहे जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए पहले तो मेरी एक ये सलाह है कि अगर आपको नीट में 320 प्लस मार्क्स पाने हैं तो पहले लिमिटेड स्टडी करिए, एनसीईआरटी, पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी को स्टडी करिए और साथ में एनसीईआरटी बुक बेस्ड कोई बुक है जिसके आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, पहले उस चैप्टर को पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए और एकदम एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करिए. आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 80 प्लस क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से कर जाओ. लेकिन हम जब बायो पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये इतनी छोटी सी किताब है ना. लेकिन सच्चाई यही है कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है. जितना मेरा रिसर्च है पिछले 8 से 9 सालों का, जो भी मैंने रिसर्च किया है क्वेश्चंस पे या जो भी मैंने देखा है अपने एग्जाम टाइम में, तो मैंने देखा है कि जितने क्वेश्चंस अभी तक पिछले 9 से 8 सालों में जब से नीट हो रहा है 2013 से लेकर के अभी तक, एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें बड़ी ज़्यादा आ रही है. और अगर हम एनसीईआरटी बेस्ड और लिमिटेड चीज़ें स्टडी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन मान के चलिए कि हो जाएगा. बायो में 80 प्लस अगर हम कर लेते हैं, केमिस्ट्री में 40 प्लस कर लेते हैं, तो फिजिक्स में अगर हम लिमिटेड क्वेश्चन भी करते हैं, 30 भी करते हैं, तो हमारा सिलेक्शन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा. तो नीट में सेलेक्ट होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें पढ़ना क्या है ना. हम बहुत पढ़ते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो बहुत बहुत पढ़े हैं और सेलेक्ट नहीं हुए हैं. और मैंने ऐसे स्टूडेंट जो हमारे पढ़ाए हुए 2-3 स्टूडेंट अभी सेलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, तो उनको मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत लिमिटेड पढ़ाया है ना. बहुत ज़्यादा जो है उनको बार बार मना किया है, बेटा बहुत ज़्यादा जो है डीप जा करके एस सी वर्मा में जो है फिजिक्स जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पे जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ें पूछी जाती हैं. बस एक चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपकी जो क्वेश्चंस की करने की जो इफिशियंसी और करेक्शन है वो बेस्ट होना चाहिए. क्योंकि आपको 140 से 145 क्वेश्चंस जब तक आप नहीं करते हैं नीट में, तब तक ये मान के मत चलिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है. अगर आप 145 प्लस कर रहे हैं, 140 कर रहे हैं, इसका मतलब आप कर जाएंगे. उसके लिए आपको बायो 80 प्लस करना पड़ेगा. और 80 प्लस करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको लिमिटेड स्टडी करनी पड़ेगी, किसी एक टॉपिक पर रिसर्च नहीं करना पड़ेगा. आपको सारा पढ़ना, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए मॉर्फोलॉजी है उतना ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजी है, उतना ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्लांट फिजियोलॉजी है. सारी चीजों को आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है. जो एक्स्ट्रा बातें होंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी या उससे रिलेटेड कोई चीज पूछा जाएगा, हम जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे. और मेरा सीधा सा मकसद होता है, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊं जिससे आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए. रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करने के लिए पीएचडी किया जाता है बायोलॉजी में, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हमारा जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी, इसमें हम कुछ लिमिटेड बातें करेंगे. 20 से 25 मिनट का वीडियो मेरा पहला लेक्चर है. उसके बाद हम अपना सीरीज वाइज इस टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे. हर चीज़ को समझाने के लिए एक बेस्ट तरीका होगा हमारे पास और जो चीज़ नहीं याद होगी उसके लिए हमारे पास सीखी चीज़ें हैं. तो चलिए सीखते हैं, आइए सीखते हैं. देखिए बच्चों, नीट 2020 में हम लोग रिविजन क्लासेस स्टार्ट किए हैं. मॉर्फोलॉजी है जो स्टडी करेंगे. मॉर्फोलॉजी में जो पहला क्वेश्चन जो पहले पेज से स्टार्ट होता है, मॉर्फोलॉजी का जो पहला पेज है वो पेज नंबर 62, ठीक है, 62 या 63 पेज है, उससे स्टार्ट होता है. और उसमें जो है हमें पहली जो बात स्टडी करनी है वो है कैथरीन इशू. कैथरीन इशू जो है इनको व्यवस्था ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा जाता है. पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि व्यवस्था ऑफ प्लांट बायोलॉजी किसे कहते हैं. अब ऑप्शंस करके दिया जाता है. मैं जब एग्जाम देता था तो मेरे एक सर थे, उन्होंने बड़ा जो है रेडिकुलस ऑप्शन बनाया था. कैथरीन इशू, कैटरीना कैफ, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन बनाए थे. बड़ा रेडिकुलस ऑप्शन था और उस समय मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था. तो आपको ये गलत नहीं करना है. दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ जो आपसे पूछा जाता है कि कैथरीन इशू ने किस जगह पे रिसर्च किया था और किस चीज को लेकर के स्टडी किया था. तो कर्ली टॉप वायरस उन्होंने लिया था, कर्ली टॉप वायरस लिया था और उसने किसको इन्फेक्ट किया था, फ्लोएम को कि जाइलम को. तो उसमें आंसर है फूड कंडक्टिव टिश्यू. और हमको अगर ये चीज क्लियर नहीं है, हम अगर जो है
इंट्रोडक्टिव चीजें हैं इस चैप्टर की, है ना, और वो हम स्टडी नहीं करते, हम सीधे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इंट्रोडक्टिव चीज में आपको मिलेगा ये, और उसमें जो है पूछा जाता है कि कर्ली टैप वायरस किसको इन्फेक्ट करता है। तो कर्ली टैप वायरस फ्लोएम को इन्फेक्ट करता है, ना कि जाइलम को। इस बात को आपको ध्यान देना है, फील आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है? जो ना समझ में आए प्लीज हमें कमेंट करिएगा, हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमें सीखना है वो प्लांट के मॉर्फोलॉजी का मतलब समझते हैं क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, बाहर से देख करके प्लांट के बारे में मेरे को स्टडी करना है, यानी रूट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, स्टेम के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, लीव्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, फ्लावर के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, है ना, ब्रांचेस के, मतलब इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना पड़ेगा मेरे को बाहर से, एक्सटर्नली। एनाटॉमी में काट काट के स्टडी करते हैं, और टेक्सोनॉमी उसको टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं, केवल उस पर बेसिस उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमें अभी मॉर्फोलॉजी जो पढ़ रहे हैं उसमें पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो रूट होगा। पहले तो ये जान लें कि रूट का मेन काम होता है एनकरेज, ठीक है, प्लांट को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है रहने के लिए, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल। ये मेन काम होता है रूट का, जो मेन काम होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल होता है। इसके अलावा वो बहुत सारा काम करता है, बट जो रूट का मेन काम होता है वो क्या होता है, वो होता है इसका एनकरेज और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल, ठीक है। रूट स्टेम लीव्स के बारे में स्टडी करना है, जिसमें हम रूट को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। चलिए बच्चों सीखते हैं रूट के बारे में क्या है। तो देखिए रूट जो होता है वो सीड के रेडिकल से स्टार्ट होता है, सीड कुछ ऐसा होता है, और आप देखे होंगे सीड के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, जिसमें दो कवरिंग होती है, बाहर वाले को टेस्टा, इनर वाले को टेगमेन कहते हैं, और ये है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो निचले वाला हिस्सा है वो रेडिकल बनाता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो प्लूमोल बनाता है। बातें फील आ रही है? चलिए अब आपको बता दें रूट के बारे में क्या है। रूट इज नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी जिधर ग्रेविटी लगती है उधर ही रूट ग्रो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, सॉरी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। एंड जो है ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होगी। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मतलब जिधर पानी होता है उधर ही पाया, ठीक है, उधर ही इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो रूट डज नॉट वियर बड, रूट के पास बड नहीं होता है, बट इन सम प्रेजेंट फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन कुछ लोगों में ये पाया जाता है इन एडवेंचस रूट स्वीट पोटैटो। आप स्वीट पोटैटो का नाम सुने होंगे, जिसका बोटानिकल नेम इपोमिया बटाटा होता है। उसके अलावा इंडियन रेडवुड ट्री, यानी कि दलबर्जी और सीसो के अंदर ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए जो है बड पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड रूट में नहीं पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं, एब्सेंट होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर हेयर पाया जाता है, रूट हेयर कहते हैं, और जो मल्टीसेलुलर हेयर पाया जाता है वो स्टेम के अंदर पाया जाता है, जिन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं। यूनिसेलुलर हेयर वाटर के एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल हम क्या करते हैं ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर पाते हैं इस यूनिसेलुलर हेयर के, ठीक है। फिर जो लैटरल रूट, कई बार पूछा जाता है लैटरल रूट कहां से अराइज होती है, ठीक है, तो जो लैटरल रूट होती है वो अराइज होती है एंडोजीनियसली। पूछा जाता है कैसे अराइज होती है, तो एंडोजीनियसली अराइज होती है फ्रॉम पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से अराइज होती है। इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे एनाटॉमी में, बस इतना जान के रखना है जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, क्या कि रूट अराइज फ्रॉम एंडोजीनियसली फ्रॉम पेरिसाइकिल, ठीक है। उसके बाद रूट के टाइप पढ़ेंगे, एक होता है टैप रूट, एक होता है एडवेंसिस रूट, और एक होता है फाइब्रस रूट, ठीक है। अब देखो बच्चों जो टैप रूट होता है उसमें एक मेन ब्रांच होती है, ठीक है, उसके बाद उसकी सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांच होती है। टैप रूट का जो एग्जांपल हमारे बुक में है वो है मस्टर्ड, ठीक है, तो मस्टर्ड के बारे में हमको स्टडी करना है। टैप रूट इसमें एक मेन ब्रांच होती है, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांच होती है, ठीक है। इतना अगर समझ में आया तो छापा मारिए, ठीक है, उसके बाद छापा मारी के बता के बढ़ता। फिर उसके बाद हमें एडवेंटिशियस रूट के बारे में पढ़ना है। एडवेंटिशियस रूट ऐसी रूट होती है जो कि अदर देन किससे निकलती है, अदर देन रेडिकल से निकलती है। किससे निकलती है बच्चों, अदर देन रेडिकल से निकलती है। एडवेंटिशियस रूट कहां से निकलती है, अदर देन रेडिकल से निकलती है, यानी कि रेडिकल के अलावा वो किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी से अगर निकलती है, किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट से निकलता है, तो वो कहलाता है एडवेंटिशियस रूट। एक होता है फाइब्रस रूट। जो फाइब्रस रूट होता है वो प्लांट का जो जो स्टेम का बेस होता है
वहां से निकलता है, जैसे गेहूं का, चावल का, प्याज का, इन सबका जो रूट होता है ऐसे एक ही जगह से एकदम गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर से निकलता है, जिसको हम फाइबरस रूट कहते हैं। ठीक है, अब जो फाइबरस रूट है वो पाया जाता है वीट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है, वीट के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं एडवेंसिस रूट के बारे में बात करता हूं तो ग्रासेस के अंदर, मोनेस्टेरा के अंदर और बैनियन ट्री के अंदर क्या होता है जो है वो एडवेंसिस रूट पाए जाते हैं। तो एडवेंसिस रूट पाई जाएगी ग्रासेस के अंदर, ठीक है, मोनेस्टेरा के अंदर, मोनेस्टेरा के अंदर और बैनियन ट्री। बैनियन मतलब बरगद का पेड़। ठीक है, बैनियन ट्री क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे। अभी आपको रफ आइडिया दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्टिव क्लासेस आपका ले रहे हैं, बाकी हम इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। और साथ में जो चीजें आपको बिल्कुल नहीं याद आती हैं, जो बिल्कुल याद नहीं हो पाती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम उसका ट्रिक देंगे, जिसे आप मॉर्फोलॉजी के अपने फिंगर पे याद रखेंगे और न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे बच्चों। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिमिटेड एनसीईआरटी पूछा जाता है। अगर एनसीईआरटी को एकदम मान लीजिए कि गीता है और उसको बाद उसको स्टडी करिए ना, मैं सही बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको फेल नहीं होने वाला। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पूछा जाएगा उसको हम बताएंगे। एक चीज और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपको अगला वीडियो जो है आसानी से पता चल जाए कि क्या पढ़ाएंगे हम। और उसके अलावा आपको चीजों को बड़ा ध्यान से स्टडी करते रहना है, ठीक है, और पूरे वीडियो को देखना है। ये नहीं कि शुरू में जैसे पढ़ा, शुरू में देखा अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ काम की बात नहीं करें तो वीडियो नहीं देखना है। पूरा वीडियो फुल देखो, हो सकता है लास्ट में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बात आपको बता दे, क्योंकि दिमाग है, रिकॉल होता रहता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग से लास्ट में निकले, तो उस चीज को आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है, समझते रहना है। ठीक है, ओके, तो एडवेंसेस रूट अदर देन मेडिकल से निकलता है, ग्रासेस, मोनेस्टेरा और बैनियन ट्री के अंदर ये देखा जाता है। और जो फाइबरस रूट होता है वो वीट के अंदर आप देख सकते हो, गेहूं के अंदर देख सकते हो, चावल के अंदर भी ऐसा पाया जाता है, वीट और राइस के पेड़ के अंदर ये फाइबरस रूट पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको छापा मार लीजिएगा, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी पे नोट्स बनाते जाइए, चीजों को फील करते जाइए, और अगर नोट्स नहीं बना पाते तो खाली सुन लीजिए और उसके बाद सीधे जा करके आप अपना इस पे तुरंत सीधे क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो उसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे रीजन ऑफ रूट के बारे में। देखिए, ये जो दिख रहा है फिगर, ये है रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। ये जो दिख रहा है यहाँ मेरिस्टमेटिक सेल पाई जाती है जो मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रूट कैप। जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाया जाता है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ है ना, या इकॉर्निया कैरेप्सिस, इन लोगों के अंदर क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट पाया जाता है, जिसमें एरेनकाइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें एयर भर जाता है और एयर भर जाने से बढ़िया आसानी से क्या करती है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर लेती है। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर आप क्या देखेंगे, रीजन ऑफ इलांगेशन। जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू बन रही है वो बनने के बाद अब इलांगेट हो रही है, और इधर है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी जो टिश्यू बनी है वो अब क्या हो चुकी है, वो मैच्योर हो चुकी है, और ये जो मैच्योर हो चुकी है टिश्यू, वहां आपका बनता है रूट हेयर। क्या बनता बच्चों, रूट हेयर। ये रूट हेयर जो है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और रूट हेयर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को भी बढ़ा देता है। ठीक है, चीजें फील आ रही हैं। उसके बाद अगर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, चीजों को और फील किया जाए, तो अब हम सीखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इतना सफिशिएंट है, दिस इज द रीजन ऑफ। अब करेगा क्या, ये फोटो दे देगा, सब मिटा देगा, बोलेगा चलिए आप इसका जो है लेबलिंग करके दिखाइए, या फिर इसमें जो चार ऑप्शन बना देगा और फिर न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो आपको फिगर जो है, जो भी छोटे छोटे फिगर हैं आपके जो बुक में, उसको याद रखिए। हम जैसे बोर्ड में बनाए, दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, यहाँ मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, रूट कैप पाया जाता है, जो कि इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू को अगर आगे बढ़ रही है तो उसको चोट लगने से बचाता है। अगर मान लीजिए वो पानी में पाया जाने वाला पेड़ है, पानी में पाया जाने वाला अगर ट्री है तो उसमें, या फिर छोटे प्लांट हैं तो उसमें रूट पॉकेट पाया जाता है, जैसे इकॉर्निया कैरेप्सिस हो गया, या फिर जो है आपका वाटर हाइसिंथ हो गई, वाटर लिली हो गई, इनके अंदर रूट पॉकेट पाया जाता है, और रूट पॉकेट जो है उसमें एरेनकाइमेटस टिश्यू पाई जाती है, जिन्हें हमको हल्का बना देते हैं, जैसे पानी भी आसानी से उनका कर सके, फ्लोट कर सके। तो इतनी बातें अगर आपको फील आ रही हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा लें। चलिए अब देखिए, अगर इतना आपको समझ में आता है तो आप पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्या पढ़ेंगे,
मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मैंने बोला कि रूट जो है जनरली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल और एनकरेज में हेल्प करती है, बट इसके अलावा ये स्टोरेज कर सकती है ना, क्या कर सकती है, ये स्टोरेज कर सकती है, सिक्रीशन कर सकती है। बच्चों सिक्रीशन मतलब ये हार्मोन बना सकती है। आपको बता दें ऑक्सिन नाम का हार्मोन प्लांट के रूट में ही बनता है, ठीक है। ऑक्सिन एक तरह का प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो उस चीज को आपको पढ़ाएंगे हम, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे, उस मेरे साथ चलते रहिए। आपको 20 जुलाई आते आते हर वो टॉपिक क्लियर कर देंगे, और हर वो टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से याद करने के तरीके से, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हमने फेस किया, और फेस करके सारी चीज का हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ट्रिक बनाया कि अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कैसे याद करना है, कहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, कहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में बात करें तो स्टोरेज कर सकता है, फूड रिजर्व कर सकता है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन यानी कि जो है सिंथेसिस कर सकता है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन यानी कि जो है PGA प्लांट ग्रोथ हार्मोन बना सकता है, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बना सकता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सीजन जैसे कि हमारा रूप में बनता है, और मेन काम जो है उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल और एनकरेज यानी कि रूट को जो पेड़ को जमीन में लगे रहने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसका और दूसरा काम देखें तो उसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण काम देखता है जो कि हमसे पूछा जाता है वो स्टोरेज होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हमको दो तरह का रूट होता है, हमको एक टैप रूट पढ़ना पड़ता है और एक होता है हमारा एडवेंटिशियस रूट। तो पहले एडवेंटिशियस पढ़ते हैं फिर टैप पढ़ेंगे। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन और फिर टैप रूट का मॉडिफिकेशन, छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बस उसी पर हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताने वाले, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की बात करते हैं तो उसमें एडवेंसिस रूट की बात करते हैं तो उसमें तीन होता है, कौन कौन सा, एक होता है कोनिकल, ठीक है, जिसका फिगर आपकी किताब में दे रखा है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो कोनिकल का जो है उसका एग्जांपल होता है कैरेट, ठीक है, कैरेट शायद नहीं दिया हुआ है, कोनिकल के बारे में नहीं दिया पर चेक करते हैं, नहीं दिया कोनिकल जो दिया है, ठीक है, कोनिकल दिया है, कैरेट जो है वो कोनिकल, ठीक है, कैरेट का हो गया। दूसरा कोनिकल के बाद दूसरा होता है नैपी फॉर्म, ठीक है, और जो नैपी फॉर्म होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो नैपी फॉर्म जो है वो पाया जाता है आपका टर्निप के अंदर, आपके एनसीईआरटी में इसका फोटो दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 68 पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, और बिल्कुल जब पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी को लेकर के बैठे है ना एकदम, तो ठीक है, नैपी फॉर्म किसके अंदर पाया जाएगा, टर्निप के अंदर पाया जाता है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से जब तीसरा जो होता है नैपी फॉर्म के बाद फ्यूजी फॉर्म, और ये जो फ्यूजी फॉर्म है वो रेडिस के अंदर पाया जाता है, रेडिस नहीं होता है, ठीक है, कैरेट होता है। रेडिस का फिगर आपके किताब में दे दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि रेडिस भी क्या है, एडवेंसिस रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा एस्परेगस का फिगर दिया होगा, एस्परेगस के अंदर फैसिकुलेटेड रूट पाई जाती है, एस्परेगस के अंदर फैसिकुलेटेड रूट पाई जाती है, ठीक है, फैसिकुलेटेड रूट पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो फिगर है उस फिगर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो किताब में फिगर है उसके रूट का टाइप बता रहा हूँ, फैसिकुलेटेड रूट पाई जाती है। इसके अलावा आपकी किताब में एक फिगर और है, पेज नंबर आप 68 पे आएगा तो दिया है राइजोफोरा, इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ क्या है, बस अभी जान लीजिए कि राइजोफोरा जो है ये टैप रूट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, राइजोफोरा के अंदर टैप रूट पाया जाता है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है, बाकी हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैंग्रोव प्लांट होता है, ठीक है, तो कोनिकल में कैरेट, नैपी फॉर्म में टर्निप, फ्यूजी फॉर्म में रेडिस, ये रूट का मॉडिफिकेशन हो गया फूड के स्टोरेज के लिए, ठीक है, ये फूड का स्टोरेज हुआ। बहुत सारे मॉडिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके बताते जा रहा हूँ, आप छापते जाइए, फिर उसके बाद उसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ज्यादा नोट शूट बनाने के चक्कर में ना पड़िए, वीडियो देखिए उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, आगे बढ़िए क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। अब पढ़ेंगे भैया टैप रूट, टैप रूट के मॉडिफिकेशन में जो पहला मॉडिफिकेशन मेरे को दिखा वो मॉडिफिकेशन दिखा रेस्पिरेटरी रूट, कैसा रूट बच्चों, रेस्पिरेटरी रूट, कई बार क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए सीखते हैं। रेस्पिरेटरी रूट मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे राइजोफोरा आपके किताब में दिया हुआ है, इसके अलावा एबिसिनिया है ना, एबिसिनिया हेरिटेरिया है ना, हेरिटेरिया, उसके बाद एक और सैन्यूरिटा, सैन्यूरिटा नाम सुना होगा आपने, बड़ा मजा आ रहा होगा सैन्यूरिटा,
है ना, सलमान जो है शाहरुख खान की मूवी है, उसने हीरोइन का नाम है सेनोरिटा, तो चलो बट एक पेड़ है वो हीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा है ना। तो रेस्पिरेटरी रूट जो है उसमें राइजोफोरा, एविसिनिया, हेरिटेरिया और सेनोरिटा के अंदर रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती है। होता क्या है, जनरली रूट नीचे जाती है लेकिन दुनिया में कुछ अजीब तरह के लोग होते हैं है ना, कहते हैं सब तो सीधे चलते हैं, उल्टा चल के देखें। यहाँ भी कुछ ऐसा होता है भैया, इसका जो रूट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। रीजन क्या है कि मार्सी एरिया में, ठीक है, या साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है, मार्सी या साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं बच्चों। और मार्सी या क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हमको लग रहा है बीचू का बीएमएस एग्जाम में ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, तो मार्सी या साल्टी एरिया में जो है, एक बार दो बार पूछा गया था, मार्सी या साल्टी एरिया में जो है ये ग्रो करते हैं, और इसको इसलिए हम लोग हेलोफिल्स कहते हैं, सॉरी हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेलोफाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलोफाइट। जो लोग मार्सी या साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं भैया। अब देखो ये जो देख रहा है इनका रूट वो ऊपर है, इसके अंदर पाया जाता है निमेटोफोर, क्या पाया जाता है, निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और उसके आगे फोर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, रूट को बोलते हैं निमेटोफोर्स, रूट को क्या बोलेंगे, निमेटोफोर्स, और रूट का जो टिप होता है उसको बोलते हैं निमेथोड्स, निमेथोड्स, क्या बोलते हैं बच्चों, निमेथोड्स बोलते हैं। अच्छा इसके अलावा इसके अंदर वीवीपीरी की कंडीशन पाई जाती है। वीवीपीरी का मतलब समझते हैं, सीड पेड़ पे ही उगा और पेड़ पे ही पेड़ बन गया, मतलब सीड पेड़ पे बना, सीड जो है वो पेड़ पे बना और फिर वही सीड क्या होगा, उस पेड़ पे ही ग्रो कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं वीवीपीरी, ठीक है। इसके अलावा ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, रेस्पिरेटरी रूट, राइजोफोरा, एविसिनिया, हेरिटेरिया, सेनोरिटा का एग्जांपल है, मार्सी या साल्टी एरिया में ग्रो करता है, जिसलिए इसको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये है, इसके अंदर रूट जो पाया जाता है उसको निमेटोफोर्स कहते हैं, उसका जो अगला टिप वाला हिस्सा होता है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करता है उसको निमेटोफोर्स कहते हैं। इसके अंदर वीवीपीरी कंडीशन पाई जाती है। ये कुल 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाते हैं तो छापा मारी और हो जाए तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपका हो गया हो तो अब आगे जो हमको उसके बारे में स्टडी करना है टैप रूट में, वो टैप रूट में और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, ठीक है, जैसे नोड्यूलेटेड रूट पाई जाती है, ठीक है, नोड्यूलेटेड रूट भी क्या है, नोड्यूलेटेड रूट जो पाई जाती है वो भी क्या है भैया, टैप रूट, ये सब बनाइए ना मिटाते हैं, जो नोड्यूलेटेड रूट होती है वो भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन होती है। कौन सा रूट भैया, नोड्यूलेटेड रूट मतलब समझते हैं जिसमें रूट नेडुल्स पाए जाते हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा नोड्यूलेटेड रूट, नोड्यूलेटेड रूट में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं भैया, ठीक है। रूट नोड्यूल्स का मतलब रूट के अंदर कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम नाम का सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब बड़े मजे की बात आपको बता दें, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, बड़े मजे की बात क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की घटना को अंजाम देने के लिए शंकर भगवान ने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स को, जो माइक्रोब होते हैं उन्हीं को वरदान दिया कि जाओ तुम ही लोगों के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, राइजोबियम हो गया, फ्रैंकिया हो गया है ना, इसके अलावा बहुत सारे जो है एग्जांपल है जो आपको हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन से अमोनियम बनता है और जिसको कन्वर्ट करता है, जिसके प्रेजेंस में, जिस एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है उसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं बच्चों। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम आयरन और मोलिब्डेनम नाम के केमिकल का कंपोजिशन होता है, इतना अगर आप जानते हैं तो कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी क्या अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये नोड्यूलेटेड रूट है और इसका एग्जांपल हो गया लेग्यूमिनस प्लांट है ना, जितने भी लेग्यूमिनस होते हैं, लेग्यूमिनस मतलब दलहनी फसलें, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके अंदर जो है ये राइजोबियम पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये अमोनिया फर्दर एमिनो एसिड बनाने में यूज हो जाती है, क्या बनने भैया, एमिनो एसिड बनाने में यूज हो जाती है, और एमिनो एसिड बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी बहुत सारी बातें छूट जा रही है जिसको हम इसके बारे में डिटेल में मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये टैप रूट का जो दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया वो नोड्यूलेटेड रूट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे,
आते हैं एडवेंशियस रूट के बारे में। देखो बच्चों, एडवेंशियस रूट होता है वो भी बहुत तरह का होता है। पहला तो आपने नाम सुना होगा एडवेंशियस रूट में प्रॉप रूट का, नाम सुना है? नहीं सुना है तो किताब आ रही है, पेज नंबर जो है 67 पेज पे आइएगा तो दिया होगा प्रॉप रूट, जो बैनियन ट्री के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है बच्चों? बैनियन ट्री, बनियान ट्री नहीं, बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, ठीक है? तो जो प्रॉप रूट होता है वो बैनियन ट्री के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है बच्चों? बैनियन ट्री के अंदर पाया जाता है। होता क्या है, मैंने कहा जो एडवेंशियस रूट होता है वो अदर देन रेडिकल से निकलता है, मतलब उसके अलावा वो रेडिकल के अलावा वो कहीं से निकल सकता है। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसके स्टेम से छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं, हमारे घर के सामने है, हम लोग उसको पकड़ के झूला झूलते हैं, छोटे थे तो आप थोड़ी झूलते हैं। तो प्रॉप रूट जो होता है वो बैनियन ट्री के अंदर पाया जाता है, एक तरह का एडवेंशियस रूट है। उसकी खासियत यह होती है कि रूट अदर देन रेडिकल से निकलता है। अब एक होता है स्टिल्ट रूट, है ना? स्टिल्ट रूट जो होता है वो मेज के अंदर पाया जाता है, मेज मतलब मक्का, और सुगर केन के अंदर पाया जाता है। स्टिल्ट रूट ऐसे पेड़ होता है और कहीं ना कहीं नोड से ऐसे ऐसे निकलते होंगे। अगर आपने गन्ना देखा होगा या फिर अगर आपने मेज का पेड़, मक्का भुट्टा का पेड़ देखा होगा तो उसमें भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं। तो प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट जो है दोनों एडवेंशियस रूट का एग्जांपल है। किताब में नहीं दिया हुआ है, किताब के बगल में अच्छे से लिख लीजिए भैया, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट एडवेंशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। और जो न्यूमेटोफोर्स होता है, जो रेस्पिरेटरी रूट है, वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं भैया और आ जाते हैं स्टेम के बारे में स्टडी करते हैं। तो अभी तो आपकी एंग्जायटी के लेवल पे चले, कुछ थोड़ा और बता देते हैं एडवेंशियस रूट के बारे में। तो ट्यूबरस रूट पाया जाता है, एडवेंशियस रूट में जो ट्यूबरस रूट पाया जाता है, TUBE, हाँ, ट्यूबरस रूट जो होता है ये पाया जाता है इपोमिया के अंदर। पूछा जाता है इपोमिया बटाटा जो है वो कौन सा रूट होता है, टैप रूट है कि एडवेंशियस रूट है? तो टैप रूट नहीं भैया, एडवेंशियस रूट है। इपोमिया बटाटा जो आप शकरकंद जो मीठी आलू खाते हैं वो क्या है, वो एक तरह का एडवेंशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। प्रॉप रूट हो गया, स्टिल्ट रूट हो गया, कुछ थोड़े थोड़े और रूट के बारे में आपको बता देते हैं। एक होता है फ्लोएटिंग रूट। कौन सा रूट? फ्लोएटिंग रूट। एक होता है फ्लोएटिंग रूट, एक होता है एसिमिलेटरी रूट, एक होता है सकिंग या होस्टोरियल रूट, और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक रूट। तो चलिए फ्लोएटिंग रूट के बारे में सीखते हैं। फ्लोएटिंग रूट का मतलब ऐसा रूट जो क्या करता हो, फ्लोट करता हो। तो इसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है जुंसिया, प्रोटोलेरिया जुंसिया, ठीक है, JUSS, है ना, JUSSIAE, प्रोटोलेरिया जुंसिया जो है ये एक क्या है, ये एक फ्लोटिंग रूट का एग्जाम्पल है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जामों में, एसिमिलेटरी रूट। कौन सा रूट? एसिमिलेटरी। जो एसिमिलेटरी रूट होता है बच्चों वो पाया जाता है ट्रापा, ट्रापा मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं? सिंघाड़ा जो है वो, या फिर जो है टीनोस्पोरा, है ना, इन दोनों के अंदर जो है पाया जाता है। कौन सा रूट? एसिमिलेटरी रूट, ट्रापा एंड टीनोस्पोरा। ट्रापा और टीनोस्पोरा के अंदर कौन सा रूट पाया जाता है बच्चों? ट्रापा और टीनोस्पोरा के अंदर पाया जाता है एसिमिलेटरी रूट। याद रखना है, पूछा जा सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी अगर याद है तो अच्छी बात, न याद रहे तो और अच्छी बात, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज होती है एसिमिलेटरी रूट के बाद सकिंग या होस्टोरियल रूट। सकिंग और होस्टोरियल रूट जो होती है वो पैरासिटिक प्लांट के अंदर पाई जाती है। सकिंग या होस्टोरियल रूट, है ना, सकिंग या हाउस्टोरियल बैच, हाउस्टोरियल रूट, ठीक है, जो पाया जाता है वो पैरासिटिक प्लांट के अंदर। चलिए पैरासिटिक प्लांट का नाम कैसे याद रखेंगे भैया? पैरासिटिक प्लांट। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक सुन लीजिए, इसका ट्रिक है ओरोब्रिंकी सिस्टेंकी रेफ्लेसिया, यानी कि ओ स्क्वायर सी टी एल डी, हाँ, तो ओरोब्रिंकी सिस्टेंकी ओ स्क्वायर सी, हाँ,
थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उसे चेक कर लीजिए, है ओ आर बी, है ना, ओ आर बी एस स्क्वायर सी एंड एस स्क्वायर टी और सी एल वी, ठीक है, ओरोबैंकी, रफलेसिया और बेलोनोफोरा, ठीक है, सेंटेलम, स्टिगा एंड थीसियम, कस्कुटा और विस्कम और लोरेंथस। ओ आर बी रूट से स्टार्ट करिए, ऊपर से बात पेड़ रूट से स्टार्ट होता है, टोटल रूट, पार्शियल रूट, टोटल स्टेम, पार्शियल स्टेम, चेक कर लीजिए, ओ आर बी एस स्क्वायर टी, है ना, ओ आर बी एस स्क्वायर टी सी एल वी, टोटल रूट, पार्शियल रूट, है ना, टोटल रूट, पार्शियल रूट, टोटल स्टेम, पार्शियल स्टेम, है ना। तो कभी कभी आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सकिंग या हॉस्टोरियल रूट जो है वो कस्कुटा के अंदर पाया जाता है, मैं बात पैरासिटिक का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इनके अंदर ऐसी पाई जाती है। तो कस्कुटा के अंदर जो है सकिंग या हॉस्टोरियल रूट पाई जाती है, कौन सा रूट, सकिंग या हॉस्टोरियल रूट पाई जाती है। कस्कुटा के अलावा हमारे पास जो है ओरोब्रेंकियो हो सकता है, विस्कम हो सकता है, मतलब कुल ये से इन लोगों के पास लगभग लगभग कस्कुटा हो गया, ओरोवेंकी हो गया, विस्कम हो गया, इन लोगों के अंदर हॉस्टोरियल रूट पाई जाती है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक रूट पूछा जाता है, कौन सा रूट, हाइग्रोस्कोपिक। हम अगर आपको जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो इनके बारे में कुछ बताएंगे, पर अभी बता देता हूँ, हाइग्रोस्कोपिक जो रूट पाया जाता है वो पाया जाता है जो इपीफिटिक प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट, इपीफिटिक प्लांट जो होते हैं, इपीफिटिक प्लांट हम समझते हैं ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, सॉरी, जो ऐसा प्लांट जो उनका जो रूट होता है वो हवा में तैरता है और हवा में जो है तैर करके हवा से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है ऑर्किड वांडा और डेंड्रोबियम, ऑर्किड वांडा एंड डेंड्रोबियम के अंदर, ऑर्किड वांडा और डेंड्रोबियम के अंदर, है ना, ये चीज पाई जाती है, हाइग्रोस्कोपिक रूट पाई जाती है। हाइग्रोस्कोपिक रूट का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग वेलामिन कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलामिन कहते हैं, जो कि जहां पानी की कमी होती है, जहां पानी की कमी होती है वहां ये लोग जो है अपना सकिंग रूट से बाहर से एटमॉस्फेयर से इस वेलामिन के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। तो इस तरह के रूट को क्या कहते हैं लोग, इपीफिटिक रूट कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर इतना क्लियर हो जाता है तो क्या आगे बढ़ा जाए। अब आगे जो हमें स्टडी करना है वो पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। तो पहले स्टेम तो समझे तब ना मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रूट, अब सब सीखते हैं थोड़ा हम लोग स्टेम के बारे में। तो चलिए मिटा दे इसको, मिटा रहे भैया, अरे बोलो ना, मिटा दे, चल। तो अब सीखेंगे किसके बारे में, स्टेम के बारे में। अब जो स्टेम है उसका क्या कहानी है, जो स्टेम है स्टेम में मेन काम क्या होता है, ब्रांच पाए जाते हैं जिससे फ्लावर बनता है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, सबसे बड़ी खासियत जो है इसके अंदर नोड और इंटरनोड पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है इनका मॉडिफिकेशन, जो आपकी किताब में है एनसीईआरटी में, बस उतना ही बताना चाहूंगा स्टेम के बारे में, ज्यादा डिटेल में बताने का कोई खास मतलब नहीं है। अब जो थोड़ा बहुत जो ना समझ में आने वाला है उसको हम थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देंगे। तो चलिए सीखते हैं, पहली चीज तो स्टोरेज जो पाया जाता है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकंद, इन लोगों के अंदर पाया जाता है। तो स्टोरेज जो होता है वो पाया जाता है, आप एग्जाम्पल देखिएगा, पोटैटो, है ना, जिंजर, फिर टर्मरिक, फिर जमिकंद, जमिकंद मतलब सूरन, जमिकंद, सूरन जानते हैं, मिल जाएगा मार्केट में, कहीं जाएंगे कैलकोसिया, ठीक है, ये लोग कैलकोसिया मतलब अरुई होता है, कैलकोसिया, हाँ, अरुई जानते हैं, अरुई। तो ये लोग क्या है, ये लोग जो है वो इनके अंदर ये जो स्टेम का मोड, पोटैटो मतलब जो खाने वाली पोटैटो, जो आलू हम खाते हैं वो स्टेम खाते हैं आलू का, ठीक है, आलू का फ्रूट नहीं खाते, ध्यान रखिए। तो स्टोरेज हो गया, स्टोरेज के अलावा ये कभी कभी एनकरेज, यानी किसी चीज को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, यानी कि टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल जो होता है। तो
स्टेम डेंड्रल जो होता है वो स्टेम डेंड्रल जो होता है वो एक्सिलरी बड, अब एक्सिलरी बड स्टेम में ही पाई जाती है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है। तो स्टेम डेंड्रल एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है, लीफ डेंड्रल भी होता है, उसके बारे में चर्चा पढ़ेंगे। पहले स्टेम डेंड्रल्स के बारे में बात कर लें, तो स्टेम डेंड्रल्स किसका मॉडिफिकेशन होता है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है। किसका मॉडिफिकेशन होता है, एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल जितने भी आपको नेनुआ लौवा कोहड़ा खीरा ककड़ी दिखाई देते हैं, यानी जितने भी किसके कुकुरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर होते हैं, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका कुकुम्बर पंपकिन के अलावा जो है वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया जिसको कहते हैं, है ना, वाटरमेलन हो गया, ये लोग सब क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर हैं। एक्सिलरी बड का एक और मॉडिफिकेशन होता है थॉर्न में, कांटे में, जो कि प्लांट को एक्सटर्नल सिस्टम से बचाता है। थॉर्न जो होता है वो लीफ का भी होता है, पर यहां अभी हम एक्सिलरी बड थॉर्न में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, साइट्रस और बोगनविलिया के अंदर, साइट्रस और किसके अंदर, साइट्रस और बोगनविलिया, साइट्रस और बोगनविलिया के अंदर जो है स्टेम डेंड्रल्स पाया जाता है। तीसरा चीज, कभी कभी स्टेम बेचारा नाराज हो जाता है क्योंकि धूप बहुत लगता है, तब उसका लीफ जो होता है उसका सारा क्लोरोफिल स्टेम में चला जाता है, और इस कंडीशन को विशेष मानते हैं, स्टेम हो जाता है फोटोसिंथेटिक और लीफ कन्वर्ट हो जाती है थॉर्न में। इस बेसिस पे दो तरह के हमारे मॉडिफिकेशन मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फाइलोक्लैड्स, फाइलोक्लैड्स याद रखिएगा, और एक होता है क्लैडोड्स, क्लैडोड्स, फाइलोक्लैड और क्लैडोड्स। तो फाइलोक्लैड्स और क्लैडोड्स में क्या कहानी, बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो फाइलोक्लैड और क्लैडोड्स, फाइलोक्लैड और क्लैडोड्स, फाइलोक्लैड्स का जो एग्जांपल होता है ओपेंसिया कैजुलाना और यूफोर्बिया होता है, इसमें मेनी नोड पाए जाते हैं, बहुत सारे नोड पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ओपेंसिया, हाँ ओपेंसिया हो गया, ओपेंसिया के अलावा कैजुलाना और यूफोर्बिया, कैजुलाना और कौन, कैजुलाना और यूफोर्बिया, यूफोर्बिया, तो ओपेंसिया कैजुलाना और यूफोर्बिया कैसे हो गए, फाइलोक्लैड्स के एग्जांपल हो गए जिसमें मेरी नोड्स पाया जाता है, स्टेम फोटोसिंथेसिस हो गया है और उसका लीव्स है वो बदल गया है थॉर्न में। फील आ रहा है कि उस खाली में ऐसे ही चिल्ला जा रहा, ठीक है। अगला जो क्लैडोड्स है उसका क्या है भैया, उसमें इसका एग्जांपल है एस्परेगस और रस्कस, एस्परेगस और रस्कस इसका एग्जांपल है, एस्परेगस और रस्कस इसका एग्जांपल है, ठीक है, एस्परेगस और रस्कस क्या है, इसका एग्जांपल है, और इसमें मेनी नोड नहीं, वन और टू नोड पाए जाते हैं, वन और टू नोड पाए जाते हैं। इसके अलावा आप अगर पेज नंबर 69 पे जाइए तो पेज नंबर 69 पे आपको मिलेगा ग्रासेज और स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस, बाकी सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा, आपको जो एक्स्ट्रा बताने वाली चीज है वो मैं बता रहा हूं, ग्रासेज और स्ट्रॉबेरी, ग्रासेज और स्ट्रॉबेरी के अंदर जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है उसको हम आर यू डबल एन ई आर रनर्स कहते हैं, रनर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको मिंट और जैस्मिन मिल जाएगा जिसको हम स्टोलन कहते हैं। मिंट और जैस्मिन में किस तरह का स्टेम पाया जाता है, एक स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है जब उसको हम स्टोलोन कहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर मान लीजिए आप बनाना पाइन एप्पल और क्रिसेंथेमम की बात करें और पिस्टिया और इकॉर्निया की बात करें तो ऑफसेट ओ डबल एफ ऑफसेट का एग्जांपल होता है पिस्टिया और इकॉर्निया, इकॉर्निया सेरेप्सिस, ठीक है, पिस्टिया और इकॉर्निया जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, है ना, पिस्टिया और इकॉर्निया, ये दोनों लोग क्या होते हैं भैया, ऑफसेट होते हैं। और इसके अलावा
जो हमारा सकर्स होता है बनाना पाइने सेंटेंस पढ़ लीजिएगा किताब में, पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि रूट और स्टेम ये दोनों आप पढ़ लेंगे और उसमें न्यूमेरिकल लगा लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, ठीक है। अब ऑफसेट के बाद हम सीख लेंगे क्या भैया सकर्स, तो सकर्स जो होता है सकर्स पाया जाता है बीपीएस बीपीसी है ना, बीपीसी बसपा, ठीक है, बीसीपी बसपा, तो ठीक रहेगा बहुजन हमारी चर्चा हो गई। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए जोश जुनून नए एनर्जी और नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और नीट की प्रिपरेशन जोश जुनून के साथ करते रहिए, बीच बीच में हम आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। बट आज के लिए इतना ही।